विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के चुनाव प्रचार करने को लेकर कांग्रेस द्वारा डाले जा रहे हो हल्ले पर सीएम जयराम ठाकुर ने जवाब दिया है। सिद्धपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुमत वाले राज्य में स्पीकर व डिप्टी स्पीकर चुनाव प्रचार में हिस्सा लेते हैं, हिमाचल में भी ले रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि माहौल और परिस्थितियों को देखकर कहा जा सकता है कि जिस तरह का समर्थन व सहयोग मिल रहा है दोनों सीटें बीजेपी जीतेगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के चुनाव प्रचार करने को लेकर कांग्रेस द्वारा डाले जा रहे हो हल्ला पर सीएम जयराम ठाकुर ने जवाब दिया। सिद्धपुरी में चुनाव रैली को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुमत वाले राज्यों में स्पीकर व डिप्टी स्पीकर चुनाव प्रचार में हिस्सा लेते हैं, हिमाचल में भी ले रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि माहौल और परिस्थितियों को देखकर कहा जा सकता है कि जिस तरह का समर्थन व सहयोग मिल रहा है दोनों सीटें बीजेपी ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि धर्मशाला के लिए प्रदेश सरकार ने क्या किया। वे याद रखें कि हमारी सरकार कागजों में कुछ करने की बजाय जमीन पर काम करने में विश्वास रखती है और उसी के आधार पर काम भी कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही केंद्रीय विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा, इसके लिए सरकार काम कर रही है। बीजेपी सरकार धर्मशाला को राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में काम कर रही है। सीएम ने कहा कि ये धर्मशाला का सौभाग्य भी है और सरकार की धर्मशाला के प्रति वचनबद्धता का परिणाम भी। एक साल के भीतर दो बार देश के प्रधानमंत्री धर्मशाला आएंगे। ये दोनों सीटें धर्मशाला और पछाड़ दोनों हमारे पास थी और मैं कह सकता हूँ जो माहौल देख रहे हैं, जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, बहुत अच्छा समर्थन और सहयोग मिल रहा है और ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार बनी हुई चल रही है, हिमाचल में भाजपा की सरकार बनी हुई चल रही है, तीन साल से ज़्यादा का कार्यकाल सरकार का प्रदेश का है और इसी प्रकार लगभग पाँच वर्ष का कार्यकाल पौने पाँच वर्ष का कार्यकाल केंद्र सरकार का है और धर्मशाला विकास की राह पर आगे बढ़े इसमें बने हुए साथ के साथ मजबूती के साथ खड़ा होकर के जो है मैं देख रहा हूँ धर्मशाला आगे बढ़ रहा है और मैं यही कह सकता हूँ कि जीत होगी, अच्छी जीत होगी, शानदार जीत। आरोप है सर कि हिमाचल को बेचने का प्रयास जो है जयराम सरकार कर रही है। देखिए उन सारी बातों का जवाब लोकसभा के चुनाव में तसल्ली से दिया गया है, लोगों ने दिया है, इसलिए उसमें मैं कोई टिप्पणी करने नहीं चाहता हूँ। हिमाचल के हितों की रक्षा करना ये हमारा दायित्व है, हम बखूबी कर रहे हैं और उनसे बेहतर कर रहे हैं। सर आपने मोदी जी का बहुत जिक्र किया है तो क्या मोदी के नाम से भी? देखिए हमने अपनी सरकार का भी जिक्र किया है, मोदी जी की सरकार का भी जिक्र किया है, दोनों सरकारें हमारी है, प्रदेश की भी केंद्र की, स्वाभाविक रूप से जिक्र होगा तो केंद्र का भी होगा, तो केंद्र का जिक्र जब होता तो मोदी जी का जिक्र होगा, प्रदेश का जिक्र होगा तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश सरकार का जिक्र। सर स्पीकर और डिप्टी कंपनी को लेकर डिप्टी स्पीकर पहले से भी करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट में स्पीकर सभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट। सर दोनों ही विधानसभा में आजाद प्रत्याशी भी उतरे हैं भाजपा। देखिए पार्टी के प्रत्याशी के नाते अधिकृत धर्मशाला हमारे विशाल नेहरिया जी हैं और बाकी उसके बावजूद तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार जो है चुनाव लड़ने के लिए किसी को मनाही नहीं की जा सकती है, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव लड़े, लेकिन हमारा यही कहना है कि लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि हमको क्या करना है, जागरूक है मतदाता। सर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो भाजपा है वो सरकारी तंत्र का जो है वो दुरुपयोग कर रही है, बताएं कैसे कर रहे हैं? बताने के लिए कुछ है नहीं। देखिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम शिमला से सड़क मार्ग से यहाँ पर पहुँचे हैं और प्राइवेट गाड़ी से आए हैं, हमारे सारे मंत्री जो है प्राइवेट गाड़ी में कैंपेन कर रहे हैं, प्राइवेट इस तरह से बिल्कुल सरकार के किसी साधन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, मैं बड़ा स्पष्ट करता हूँ, अगर है तो बताएं। पूर्व की सरकारों में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। सीएम ने इस दौरान प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना, हिम केयर योजना सहित अन्य योजनाओं का जिक्र किया। जनसभा में मुख्यमंत्री ने पार्टी प्रत्याशी विशाल नेहरिया को भारी मतों से जिताने का आग्रह किया और कहा कि इस बार धर्मशाला की जीत ऐतिहासिक होगी। कांग्रेस द्वारा उपचुनावों में सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर लगाए जा रहे आरोपों का मुख्यमंत्री ने खंडन किया और कहा
कि ये आरोप निराधार है। सभी मंत्री अपने निजी वाहन प्रयोग कर सकते हैं और वे खुद भी धर्मशाला अपने निजी वाहन से आए हैं। उपचुनाव में प्रचार के दौरान भाजपा अधिकतर मोदी के नाम पर ही वोट मांगती नजर आई। सीएम ने कहा कि केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। यहां पर बीजेपी की जीत होगी और अच्छी जीत होगी। हिमाचल को बेचने का प्रयास करने के कांग्रेस के आरोपों पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बात का जवाब हिमाचल की जनता कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में दे चुकी है, इस बारे में वे ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, कैबिनेट मंत्री विपिन परमार, विक्रम ठाकुर, सरवीन चौधरी, सांसद किशन कपूर, विधायक अरुण मेहरा, मुल्क राज प्रेमी सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।